बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो नाउ वी हैव सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अवर ऑर्डर पेयर। तो अब इस ऑर्डर पेयर के अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, जैसे कि ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा एंड ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। तो हमें इन दो ऑर्डर पेयर के पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम करना है अपने प्लेन में। सपोज ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, ये हमारे कार्टेशियन प्लेन में कहीं ना कहीं लाया करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास जो एब्सीसा हो गया वो हो गया ए कॉस अल्फा एंड सेकेंड एब्सीसा एक्स टू इज इक्वल टू ए कॉस बीटा एंड ऑर्डिनेट इज ए साइन अल्फा एंड सेकेंड ऑर्डिनेट इज ए साइन बीटा। सो नाउ वी यूज डिस्टेंस फार्मूला। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। सो एक्स टू इज इक्वल टू ए कॉस बीटा माइनस ए साइन कॉस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस ए साइन बीटा वाई टू माइनस वाई वन ए साइन अल्फा द होल स्क्वायर डी इज इक्वल टू। सो अगर हम देखें हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए कॉमन आ रहा है और यहाँ भी ए कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं ए कॉमन ले लूँ ए कॉस बीटा कॉस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी ए कॉमन है ए साइन बीटा माइनस ए कॉमन आ गया दोनों में से साइन अल्फा द होल स्क्वायर। सो नाउ अप्लाइंग द स्क्वायर ऑन बोथ ब्रैकेट्स, जब इन दोनों ब्रैकेट पे हमने स्क्वायरिंग लगाई और इन्हें स्क्वायर अप्लाई कर दिया तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा द होल स्क्वायर। सो अब हम देखें तो दोनों ब्रैकेट्स के साथ हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन है, तो क्यों ना इस ए स्क्वायर को रूट कैंसिल आउट करा के इसे रूट के बाहर ले जाएं, जैसे कि डी दोनों पे स्क्वायर। तो सबसे पहले हम दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर पे ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो गया डी इज इक्वल टू ए अंडर रूट, अब बाकी टर्म्स अंडर रूट के अंदर रहेंगी, जैसे कि कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा द होल स्क्वायर। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू a अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस टू इंटू कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए व्हाट इज ए साइन बीटा सो साइन स्क्वायर बीटा माइनस टू साइन बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सो नाउ हियर वी यूज सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सो हियर वी हैव कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इट्स विल बी इक्वल टू वन एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दे ऑल्सो विल इक्वल टू वन। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दे बोथ विल बी इक्वल टू वन।
सो डी इज इक्वल टू ए अंडर रूट वन प्लस वन माइनस टू कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस टू साइन बीटा साइन अल्फा दे बोथ विल बी इक्वल टू वन. साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा वन हो गया और साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा ये भी वन हो गया. तो माइनस टू कॉस बीटा अल्फा एज इट इज एंड माइनस टू साइन बीटा अल्फा एज इट इज आ गया. तो ये डी इज इक्वल टू ए अंडर रूट टू प्लस टू वन प्लस वन टू माइनस इन दोनों में से कॉमन आ गया माइनस का टू माइनस टू. तो ये हो गया कॉस बीटा. तो जब हमने दोनों में से टू कॉमन लिया तो ये हो गया टू माइनस टू कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा. तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिकली प्रूफ आ गई. कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जो कि बराबर होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा के. तो ये हो गया डी इज इक्वल टू ए अंडर रूट टू माइनस टू कॉस बीटा. ये पूरी आइडेंटिटी बराबर हो गई अपनी दूसरी साइड के. तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी इस पूरे की जगह आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा. देन हमने देखा कि इन दोनों में से टू कॉमन था तो हमने टू को कॉमन ले लिया. तो ये हो गया जब यहाँ से टू चला गया तो उसी जगह आया वन और यहाँ से भी टू बाहर आ गया तो ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा. सो वी नो दैट वन माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू. तो वन माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा. ए अंडर रूट टू मल्टीप्लाई टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू देन टू इंटू टू टू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा. सो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया. तो ये हो गया टू ए साइन अल्फा माइनस बीटा जो कि हमारा आंसर हो गया. जो डिस्टेंस होगा वो होगा टू ए साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू. सो देन अभी हमने किया ये वाली प्रॉब्लम. तो इसी के तरीके से आप ये तमाम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं. इन तमाम में भी डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ होगा. आगे फर्दर भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जैसे कि इन सवालों में भी हमें ऑर्डर पेयर दिए हैं लेकिन कभी वो एब्सिसा का पूछेगा हमसे कभी वो हमसे ऑर्डिनेट मालूम करने को कहेगा और हमें डिस्टेंस गिवन होगा. तो आगे की प्रॉब्लम्स अगर आप ट्राई करें तो बहुत आसान है ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है और इसने कभी एब्सिसा की वैल्यू पूछी और कभी ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी हमसे.